हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड देख लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक एक करके देखेंगे बच्चों, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होगा बच्चों, उसको हम समझते हैं ध्यान से। तो थोड़ा सा इजी है बच्चों, ज्यादा आपको टफ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला, रिएक्शन विद SOCl2 एंड PCl5। कार्बोक्सिलिक एसिड का इनके साथ हम अब रिएक्शन को देखते हैं बच्चों, एक एक करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला, अगर मैंने RCOOH, अगर इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ कराई, तो मैं SOCl2 को किस तरीके से बनाऊंगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। SOCl2 को मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब देखो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अब इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर होगा, जैसे ही इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर होगा ये आपका बाहर खुलेगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर RCOOH, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका S, यहां पर S डबल बॉन्ड O C है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहां से जो Cl माइनस निकला, यहां से आपका Cl माइनस निकलेगा। अब ये Cl माइनस क्या करेगा बच्चों, अब ये Cl माइनस यहां से अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। नाउ यहां से आपका कौन, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, ठीक है। नाउ आपका ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा और यहां से आपका HCl बाहर निकल जाएगा और SO2 बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर ROCl और यहां पर SO2 गैस और HCl आपका बाहर निकलेगा। इस तरीके से आपका इस रिएक्शन है बेटा, ये सेम रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है एल्डिहाइड और कीटोन में। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, काफी टफ काफी इजी रिएक्शन है। अब इसी की रिएक्शन बच्चों में आप है ना PCl5 के साथ देखते हो बच्चों कैसे होगा। RCOOH की रिएक्शन अगर मैंने PCl5 के साथ कराया तो क्या होगा, ये आपका यहां अटैक करेगा, ठीक है, ये आपका यहां अटैक करेगा, तो यहां पर देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, RCO, अब देखो PCl5 है तो मैं PCl4 पे अटैक करा रहा हूं, Cl माइनस को ऐसे मैंने लिख दिया बच्चों, ऐसे मैंने Cl माइनस को पहले भी लिखा है बच्चों इस तरीके से। तो यहां पर क्या आ जाएगा PCl4, ठीक है बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा PCl4। नाउ यहां पर डबल बॉन्ड OH, अब ये आपका प्लस साइन हो गया, अब ये आपका प्लस साइन हो गया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो Cl माइनस है, Cl माइनस आप कहां अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, ठीक है। Cl माइनस आपके कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा बच्चों, इस पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहां खुल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, RCOPCl4 OH, अब यहां पर Cl, अब ये आपका नीचे जाएगा और ये आपका बाहर निकलेगा। जब ये आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, ऐसे भी ध्यान से काफी इजीली भी बोल सकते हैं, इस तरीके से ना बोल के मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो आपका OH, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा, अब ये आपका यहां से बाहर निकल जाएगा, तो जैसे ही आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ROCl, और आपका क्या निकल जाएगा, POCl3, और साथ में आपका क्या निकलेगा, HCl, ठीक है। यहां पर Cl3 होगा जो आपका ClHCl लेके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहां पर रिएक्शन को प्रोग्रेस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि अगर मैंने एज एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैंने RCOOH ले लिया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, RCOCl, सिंपल बोल सकते हैं, OH ग्रुप हटा के आपको Cl लगाना है, बस ऐसा काम करना है, ये मान के चलो आप। जैसे मैंने लिख दिया कि CH3 CH2 COOH, इसकी रिएक्शन मुझे SOCl2 के साथ कराना है, तो कैसे होगा बच्चों, सिंपल, आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं करना, सीधा OH ग्रुप हटा के Cl लगा दो, ठीक है। ये आपका किसको प्रिपरेशन करने के काम आ रहा है, एसिड हैलाइड को प्रिपेयर करने के काम भी आ रहा है बच्चों, ध्यान से समझो। एक और, अगर मैं इसी की रिएक्शन इस तरीके से करा दूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना,
अगर मैं एक और एग्जाम्पल लू बच्चों, इसमें अगर मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, देखो ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल, अब ये मैंने बेंजोइक एसिड ले लिया, अगर मैं इसी की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दू तो आपका क्या बनेगा बच्चों? काफी इजी रिएक्शन है, COCl। बस इस तरीके से आपके इस रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है, ठीक है? इस तरीके से आप इस रिएक्शन को प्रोग्रेस कर सकते हो। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा उसको देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा उसको देखते ध्यान से। तो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है? अमोनिया के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों, अब ध्यान से समझेंगे। काफी इजी रिएक्शन है बच्चों, एक दो बार अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, काफी इजी रिएक्शन है ये। हमारा क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर मैंने अमोनिया के साथ कराई, ये क्या बच्चों? आपका बेस। ये क्या है? एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा यहां पर। जब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों? यहां पर आपका अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है? यहां पर आपका क्या बनने वाला बच्चों? अमोनियम सॉल्ट। अब जैसे ही अमोनियम सॉल्ट को आप बच्चों हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपका क्या बन जाएगा? अमाइड। आपका क्या बन जाएगा? अमाइड। ध्यान से समझना, आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर अमाइड। जैसे ही हीट करेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एक H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, सिंपल बोल सकते हैं। नाउ अब आप लोग जानते हो कि, ध्यान से समझना, अब आप लोग जानते हो कि यहां पर आपका अगर मैंने फिर मैंने हीट किया P2O5 के प्रेजेंस में या फिर H2SO4 के प्रेजेंस में तो आपका RCN बन जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, अब ध्यान से समझना, अगर मैं बच्चों RCN का हाइड्रोलाइसिस करता हूं, देखो दिस इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ CN ग्रुप, ये वाली रिएक्शन। मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं RCN का हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस कराने पर मुझे अमाइड ग्रुप मिलता है, और फर्दर में अगर हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये मैंने आपको बता चुका हूं बच्चों, अच्छे से बता चुका हूं, अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब देखो यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये मिला है, अगर मैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लूं तो क्या बन जाएगा? RCN। तो वही रिएक्शन है आपका, बस वही रिएक्शन है, जस्ट उल्टा फिनोमिना आपको दिया हुआ है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, इसमें इस रिएक्शन में आपको इजीली आप लोग इस रिएक्शन को डील कर सकते हो। नाउ बच्चों अब आप लोग जानते हो एक और रिएक्शन बच्चों, यहां पर थर्ड रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हो, मैंने कई बार पढ़ा है, तो ध्यान से समझना। देखो RCOH की रिएक्शन अगर मैंने NaOH के प्रेजेंस में, इसकी मैकेनिज्म लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, मैंने आपको पहले भी अच्छे से बताया, तो एक बार इसको समझ लो। इसमें यहां पर यहां पर क्या बन जाता है बच्चों? RH, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाता है, ठीक है? और साथ में क्या निकलता है? CO2 और H2O, ठीक है? जो कि आपका H2O को एब्जॉर्ब कौन करेगा? CaO, और यहां पर आपका CO2 गैस निकलेगा, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 का मतलब डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां जाता है, ये वाला हाइड्रोजन आपका यहां जाता है। अब देखो इसमें अगर मैं मैकेनिज्म भी लिखना चाहूं तो मैं यहां पर काफी इजीली मैकेनिज्म भी लिख सकता हूं। देखो कैसे, सबसे पहले यहां पर RCOOH की रिएक्शन अगर मैंने NaOH के साथ करा दिया तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहां पर RCOO-Na+ बन जाएगा और यहां से आपका H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड आपका यहां खुलेगा तो यहां पर R- और यहां पर क्या आ जाएगा? CO2 रिमूव हो चुका है और ये CO2 और Na+। अब देखो Na+ इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? देखो
यहाँ पर रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। अब देखो ये आर माइनस आपका इंटरमीडिएट होगा जो कि आपके रेट को बताएगा। आर माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आर माइनस पर कौन अटैक कर जाएगा? नाउ अब जो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है वह वाटर मॉलिक्यूल का आपका एच आपका यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या बना देगा? आर एच। इस तरीके से भी हम मैकेनिज्म को लिख सकते हैं बच्चों, मैकेनिज्म लिखने के काफी तरीके बच्चों, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। या फिर कई कई बुकों में इसको देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा के आपको बता रखा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दिया तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? एच बाहर निकल जाएगा तो एन ए सी ओ थ्री एच, एन ए एच सी ओ थ्री, एन ए एच सी ओ थ्री बन जाएगा। अब ये एच आपका अटैक करेगा, इस तरीके से आपको बता रखा है। तो आप दोनों तरीके आप लोग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एच टू ओ का ही हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा है दूसरा तरीका, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आपका कहाँ से आया है बच्चों? यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका NaOH से आया है। कहाँ से आया बच्चों? NaOH से। तो मैकेनिज्म लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म लिखने के आपके कई तरीके, आप कई कई तरीकों से मैकेनिज्म आप लोग लिख सकते हो। अब ध्यान से समझना, एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कितने मोल की रिक्वायरमेंट पड़ती है? दो मोल NaOH की। फर्स्ट मोल तो आपको सोल्ट बनाएगा, फर्स्ट मोल आपका क्या बनाएगा? सोल्ट बनाएगा। और सेकंड मोल आपका यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेट करेगा, फर्स्ट मोल आपका सोल्ट बनाएगा और सेकंड मोल आपका डीकार्बोक्सिलेट करेगा। ये था पूरा मैकेनिज्म। अब ध्यान देना, आर माइनस इंटरमीडिएट है तो आर माइनस की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका आप लोग जानते हो बच्चों, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस तरीके में तो मैंने आपको काफी हद तक बताया हुआ है बच्चों, अब आपके रिएक्शन बेटा रिपीट होगी, बस इतना ध्यान रखो। देखो यहां पर आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और साथ में NaOH का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एनोड, एक को मैंने एनोड ले लिया, एक को मैंने क्या ले लिया बच्चों? कैथोड। इसको मैंने ले लिया कैथोड और इसको मैंने क्या ले लिया बच्चों? एनोड। ठीक है, यहाँ पर कैथोड एनोड लेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही ये आपका इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो आपका क्या बना लेगा? आर सी ओ माइनस एन ए प्लस और यहाँ पर एच प्लस और ओ एच माइनस, इतने सारे आयन आपके यहाँ प्रेजेंस होंगे। अब देखो माइनस से माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इसका मतलब उसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन फिनोमिना आपका कहाँ होता है बच्चों? एनोड पर। बस एक चीज ध्यान रख लो, अब देखो एनोड पर क्या होगा? सी डबल ओ माइनस, ओ माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल बना लेगा। अब नाउ यहाँ से होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर आर डॉट और यहाँ से क्या निकाल देगा? सी ओ टू गैस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके कितने मोल होंगे बच्चों? दो मोल होंगे, तो दो मोल आपके निकालेंगे और दो मोल आपके क्या बना लेंगे बच्चों? आर आर बना लेंगे। लास्ट में दो मोल आपके क्या बना लेंगे? आर आर बना लेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं कैथोड पर, तो कैथोड पर आपका क्या होगा? कैथोड पर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ से एनोड पर आपका CO2 गैस निकलेगा, ये बात का ध्यान रख लेना। एनोड पर अगर आपका CO2 गैस निकलेगा और कैथोड पर, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब H प्लस अपना एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस निकालेगा। इसका मतलब कैथोड पर आपका कौन सी गैस निकलेगी? ये वाली गैस निकलेगी। इसके मैंने क्वेश्चन काफी कुछ हाइड्रोकार्बन में अच्छे से करा दिए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ को क्वेश्चन कराने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। फिर भी हम वो लेक्चर के एंड में, लेक्चर के एंड में एक बार मैं पूरी केमिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन की एक क्वेश्चन ले लूंगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब रही बात की तीसरा, तीसरे टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? बाय हीटिंग, बाय हीटिंग। अब बाय हीटिंग में क्या होगा बच्चों? ठीक है, बीटा कीटो एसिड का, बीटा कीटो एसिड का अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन कराता हूं तो बाय हीटिंग ही मैं करा सकता हूं। जैसे मैंने बात कर लिया, देखो सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी डबल ओ एच, ये मैंने बात कर लिया। देखो इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, सी डबल ओ एच। अब देखो
ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। बीटा पोजीशन पे आपका अनसेचुरेशन है, बीटा कीटो एसिड बोलो या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा यहाँ पर हाँ, या फिर आप है ना यहाँ पर बीटा कीटो एसिड बोलो या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड दोनों का इस तरीके से होगा। पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि यहां पर इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, यहां पर इस तरीके से एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। अब देखो यहां पर इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका OH, अब देखो H वाला बॉन्ड आपका इसके पास जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा। देखो कौन सा साइड आपका बाहर निकल चुका है बच्चों, यहाँ पर CO2 आपका बाहर निकल चुका है, पूरा का पूरा CO2। अब यहाँ पर क्या बना है बच्चों, देखो CH3COH डबल बॉन्ड CO2, ठीक है CH2। अब ये क्या है बच्चों, आपका इनोल फ्रेगमेंट है, इनोल फ्रेगमेंट इज जनरली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर ये आपका टोटोमेराइज होके कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखो यहां से मैंने किसको हटा दिया, पूरा CO2 मॉलिक्यूल को हटा दिया। सिंपल है, अगर मेरे पास बीटा पोजीशन पे अगर कोई भी अगर मेरे पास बीटा पोजीशन पे कोई भी अगर मेरे पास वो अनसेचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो मैं इजिली स्ट्रॉन्ग हिटिंग पे, मतलब बाय स्ट्रॉन्ग हिटिंग पे, हिटिंग देने से ही मैं यहाँ पर CO2 का रिमूवल कर सकता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पर CO2 का रिमूवल कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन का भी यूज हुआ है बच्चों आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ पर थर्ड और फोर्थ रिएक्शन रिएक्शन विद डाई एजो मेथेन, डाई एजो मेथेन के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगा बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। डाई एजो मेथेन के साथ रिएक्शन, डाई एजो मेथेन मैंने आपको बता रखा है बच्चों क्या होता है, सी एच थ्री एन डबल बॉन्ड एन प्लस, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है इसको मैंने ऐसे लिखा है, देखो ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैंने आर सी डबल ओ एच की रिएक्शन सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच टू माइनस होता है देख रहे हो, ठीक है सी एच टू माइनस डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अब देखो ये आपका यहाँ अटैक करेगा, जैसे ही आपका ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आर सी ओ ओ माइनस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ये इस पर अटैक किया तो यहाँ पर क्या बन गया सी एच थ्री एन प्लस, ये इस तरीके से कंपाउंड बन गया। अब ये आपका यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से ये आपको निकलेगा बच्चों, सेम रिएक्शन मैंने ईथर में बताया था, ईथर के प्रिपरेशन मेथड में मैंने सेम रिएक्शन बताया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप उसको भी देख सकते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों CO O CH3, देखो यहाँ पर एस्टर बन गया। इस तरीके से हम अलग अलग कंपाउंड का प्रिपरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एस्टर का प्रिपरेशन हो जाएगा बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि आपका काफी इजी है, फिफ्थ रिएक्शन आर्नोल्ड एस्टर रिएक्शन, ठीक है। तो फिफ्थ रिएक्शन आर्नोल्ड एस्टर रिएक्शन, ठीक है आर्नोल्ड एस्टर रिएक्शन काफी इजी रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन को किस तरीके से डील करेंगे बच्चों, देखो बड़े ही प्यार से बड़े ही इजीली हम इस रिएक्शन को डील कर सकते हैं। देखो अगर जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, ध्यान से समझना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मैं आपको SOCl2 के साथ, ठीक है और CH2N2 के साथ, और मैंने यहाँ पर Ag2OH+ ले लिया, चलो ठीक है आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको हम अब डील करते हैं अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। तो जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों, सबसे पहले जो आपने SOCl2 के साथ किया है वहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है बच्चों यहां पर आपका Cl आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, CH2- इसको मैंने इस तरीके से बना दिया बच्चों, ये मेरे पास क्या है डाई एजो मेथेन,
अब इसने यहां रिएक्ट किया तो ये कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, आर सी ओ माइनस सी एल सी एच टू डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इस टाइप से हो जाएगा। अब ये आपका नीचे जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा, ये आपका उधर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सी एल माइनस आपका बाहर निकला, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एन। आप देखो यहां पर क्या होगा, सी एल माइनस आपका इस एच को लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर देखते हैं, आर सी ओ सी एच माइनस और यहां पर एन प्लस डबल बॉन्ड, इस तरीके ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बन जाएगा। अब यहां से इसमें जो रीअरेंजमेंट होगा बच्चों, उसको बोलेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट। यहां से जो आपके इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप का रीअरेंजमेंट होगा। अब यहां पर वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसा होगा, ये आपका यहां चला जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, देखो यहां पर आपका सी एच टू आर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका किटीन हो गया बच्चों, किटीन हो गया। नाउ अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन एच टू ओ के साथ कराई, तो एच टू ओ एज ए न्यूक्लियोफाइल, देखो ये आपका यहां से इधर अटैक करेगा यहां पर, हाँ ठीक। अब ये आपका यहां अटैक करेगा, ठीक है। अब ये जब आपका यहां अटैक करेगा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आएगा एच, ठीक है। हाँ बेटा, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, किटिन बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये जब यहां अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ये आपका आर सी एच टू, यहां पर आपका ओ एच, यहां पर आपका एच चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी डबल ओ ओ एच, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें आपका खास बात क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अब देखना ध्यान से, इसको मैं कितने मोल लूंगा, 2 मोल। पहला मोल तो क्या होगा, पहला मोल तो रिएक्शन में काम करेगा, दूसरा मोल जो आपका जो यहां से जो आपका एक्सीएल होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है। यहां पर 2 मोल होता है, 1 मोल तो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और दूसरा मोल HCl को न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। अब इसकी खास बात क्या है, यहां पर कितने थे, यहां पर एक कार्बन का एडिशन होता है इस टाइप के रिएक्शन में, एक कार्बन का एडिशन होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक कार्बन ज्यादा हो गया, देखो अपने आप। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एग्जाम्पल आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो बच्चों, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अगर मैंने यहां पर, मैं एक और बात करता हूँ, देखो मैंने इसकी रिएक्शन, देखो यहां पर सी एच आर, इसकी रिएक्शन मैंने अगर आर डैश ओ एच के साथ करा दिया तो आपका क्या होगा, देखो यहां पर ये आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ये आपका ओ माइनस और एच प्लस। अब ये आपका यहां जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, मतलब एस्टर कंपाउंड भी बन सकता है। अब आपके इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने सिमिलर रिएक्शन बच्चों NH3 के साथ करा दिया तो NH3 का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब NH2 माइनस आपका यहां अटैक कर जाएगा और H आपका यहां चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, RCH2CONH2। इस तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हो इसके बाद। आई होप कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, काफी अच्छा रिएक्शन है, एक दो बार आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन समझते बच्चों हम अब यहां पर, हेलवोलार्ड जेलेस की रिएक्शन, ठीक है, हेलवोलार्ड जेलेस की रिएक्शन। तो देखते बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं, यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा है, हेलवोलार्ड जेलेंस की, ठीक है, जेलेंस की रिएक्शन, जेलेंस की रिएक्शन। देखो हेलवोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन मतलब HVZ रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ये काफी इजी रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे डील करेंगे बच्चों, समझते हैं ध्यान से, ठीक है, काफी इजी रिएक्शन। देखो आर सी एच टू सी डबल ओ एच, अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने एक्स टू और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में कराया और यहां पर एच टू हो तो आपका क्या बनेगा, ये आपका रिएक्शन है बच्चों।
अब इस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक बार एक दो बार ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हेलवोलाइड जेलिस की रिएक्शन। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो आर सी एच टू सी डबल ओ एच, जब ये आपका एक्स के साथ रिएक्शन करेगा एक्स टू के साथ, तो यहाँ पर ये आपके ओ एच ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, मतलब पी एक्स थ्री, ये दोनों मिलकर पी एक्स थ्री बनाएंगे, यहाँ पर पी एक्स फाइव भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर आपका इसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपका एक्स कंपाउंड आ जाएगा। नाउ अब सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकंड स्टेप में यहाँ पर ये नीचे जाएगा और ये आपका प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब इनोल फ्रेगमेंट बनेगा। अब देखो यहाँ पर आपका इनोल फ्रेगमेंट आपका बन चुका है, ठीक है। नाउ अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये अब आपके एक्स एक्स पर अटैक करेगा, यहां पर आपका अटैक होगा, ठीक है। अब ये आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर आर सी एच एक्स, और जब ये आपका अटैक करेगा तो यहां से आपका जो एच है ये वाला बॉन्ड आपका यहां चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सी एच डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, और यहां से एक्स निकलेगा जो कि आपके इसके साथ निकलेगा, यहां पर एक्स को हम बाद में निकालते हैं, यहां पर इस तरीके से होगा। नाउ फर्दर इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये आपका अटैक करेगा और यहां से आपका एक्स बाहर निकलेगा, तो यहां पर आपका इस तरीके से रिएक्शन का प्रोसीजर होगा बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है, लेकिन मिनिमम 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 नहीं, एटलीस्ट एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, आपका एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलवोलाइड जेलिस की रिएक्शन। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से समझेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन बच्चों हम काफी तरीके से करते हैं, तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो आर सी डबल ओ एच का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा, ध्यान से समझना, केमेनोफोर, ये तो आपका केमेनोफोर तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में बच्चों ये तो आपका पहले से ही आपने पढ़ाई ली थी हम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितने मोल लेने कितना क्या लेना ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी एच टू ओ एच, मतलब प्राइमरी एल्कोहल में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल में। और हम यहाँ पर एक और रिएजेंट का यूज करते हैं बच्चों, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन आप लोगों ने पहली बार देखोगे, बी एस थ्री टी एच एफ, इसमें आपने पहली बार देखा होगा बी एस थ्री टी एच एफ के प्रेजेंस में अगर जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराता हूँ तो भी ये आपका वन डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, वन डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर एक और हम बोल सकते हैं यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल ओ एच का रिएक्शन कॉपर प्लस सी आर टू ओ थ्री के साथ भी कराते हैं तो भी आपका वन डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो एक ये तो आपके ऐसे रिडक्शन थे जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसको बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे थे, एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे थे। नाउ अब हमारे पास ऐसे भी रिएक्शन है, ध्यान से समझना, नाउ अब हमारे पास ऐसे भी रिएक्शन है जो आपके सेकंड जो आपके ध्यान से समझना जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कीन, ये भी एल्केन, ये भी आपका एक टाइप का रिडक्शन है। तो कैसे होता है बच्चों, ध्यान से समझना, अगर मैंने इसका रिएक्शन ध्यान से रेड फॉस्फोरस और एचआई के साथ कराया, किसके साथ कराया बच्चों, रेड फॉस्फोरस और एचआई के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये सारे रिएक्शन प्रोसीड होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हाँ उसको आप तो थोड़ा सा चेंज कर लेना, जहां पर मैंने आपको बताया था बच्चों, ध्यान नहीं रहा मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, तो मैं आपको बता दूं जहां मैंने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड लिखवाया था ना डी कार्बोक्सिलेशन में, वहां बीटा गामा लिख लो, वहां क्या लिख लो बच्चों, बीटा गामा, ठीक है,
अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, काफी इजी है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन के सेगमेंट की ओर, ठीक है। और बच्चों ये बात ध्यान रखना कि हेलवोलर्ट जेलेस की रिएक्शन ओनली फॉर व्हाट, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हेलवोलर्ट जेलेस की रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए, लेकिन ब्रोमीन के लिए तो बहुत ही इजीली रिएक्शन आपकी हो जाती है। ब्रोमीन के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी इजी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं बच्चों थोड़े इन सब के क्वेश्चन लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो अब हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, एक एक करके ध्यान से समझेंगे एग्जांपल्स, तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके मैं रिएक्शन लेता हूं बच्चों, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों एक एक करके रिएक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास ये, ये मैंने बना दिया C डबल ओ एच, ठीक है। अब इसका मैंने बना दिया ये आपको CH3, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन। आपको प्रोडक्ट बताना है एंड आपको प्रोडक्ट बताना है और उसका टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर भी बताना है, स्टीरियो आइसोमर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के साथ, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर के साथ आपको बच्चों प्रोडक्ट बताना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन में केवल और केवल आपको क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे बच्चों। जहां पर आपका इस तरीके से CH3, ठीक है। अब देखो यहां पर COH, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बीटा अनसेचुरेटेड मतलब बीटा कीटो हो गया, तो आपका यहां पर हीट देने पर ही आपका COOH बाहर निकल जाएगा। तो COOH आपका बाहर निकल जाएगा, यहां से आपका कौन बाहर निकल जाएगा, हीट देने पर आपका COOH बाहर निकल जाएगा। अब आपको ये नहीं पता ना बच्चों ये आपका डैश वाला है कि वेज वाला है, तो एक तो आपका क्या हो सकता है, डैश वाला भी हो सकता है, और एक आपका कौन सा हो सकता है बच्चों, यहां पर इस तरीके से ये भी हो सकता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स पेयर होंगे, ठीक है बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स पेयर होंगे। अगर मैं अब निकालना चाहूं कि यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर अब मैं निकालना चाहूं कि टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो ये आपका एक यहां पर आपका सिमेट्रिकल कैरियर सेंटर नहीं है, यहां पर चेक कर लेते हैं क्या यहां पर सिमेट्रिकल कैरियर, ये आपका दोनों आपके क्या बना लेंगे बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स पेयर। अब इसका कैरियर सेंटर होगा क्या नहीं होगा पहले आप ये बताओ, फिर उसके बाद आपको पता लगाना है कि किस तरीके से रिएक्शन होगा। यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाले और ये, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करते हुए दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपका कैरियर सेंटर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनने वाले बच्चों, आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से। नाउ बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। तो देखते हैं बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर टू किस तरीके से होगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू बच्चों हमारे पास है CH3CH CH2COOH। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी रिएक्शन है, अगर एक दो बार अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। बताओ बच्चों कौन सा स्ट्रॉन्ग हीटिंग है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगा तो कौन सा, देखो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब मैंने आपको बताया था बीटा गामा अगर अनसेचुरेटेड रहेगा, मैंने आपको नोट्स में लिखा है अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा को हटा के क्या कर लेना, बीटा गामा अगर आपका अनसेचुरेटेड रहेगा तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि बीटा पोजीशन पे आपका अनसेचुरेशन चाहिए, ले देके आपको बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH, यहां पर CH3, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कितने आपके होंगे बच्चों, ये यहां पर भी आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट, क्यों, एक होगा सीस प्रोडक्ट, एक होगा आपका ट्रांस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते बच्चों एक एक करके ध्यान से एक एक करके नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम समझते हैं एक एक करके अच्छे से। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो CH3COH की रिएक्शन अगर मैंने PHMGBr के साथ कराया, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले MgBr का काम क्या है बच्चों,
एमजीबीआर का काम क्या होगा? सबसे पहले बच्चों इतना बताओ, एमजीबीआर का काम होगा बच्चों यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को ना यहाँ पर क्या करेगा एमजीबीआर? एमजीबीआर सबसे पहले आपका यहाँ पर किसकी तरफ बिहेव करेगा बच्चों? बेस की तरह। किसकी तरफ बिहेव करने वाला है बच्चों? यहाँ पर आपके बेस की तरह। तो यहाँ पर आपका बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों? ये आपका सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। जब ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा तो यहाँ पर O माइनस MgBr, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका एरोमेटिक रिंग बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ना बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एक एक करके, बड़े ही प्यार से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएंगे ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है बच्चों। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है बच्चों। ये CN है। CN का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ नाउ, इसकी रिएक्शन में अगर NaHCO3 के साथ कराता हूँ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाउ सबसे पहले इस रिएक्शन को आप जानते हो, जाने कितनी बार मैंने आपको CN का हाइड्रोलाइसिस करवाया बच्चों? तो CN का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। CN का हाइड्रोलाइसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ फर्दर NaHCO3 के साथ जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर COO-Na+। आई होप सो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डील करना है ना बच्चों। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर अगर मेरे पास इस तरीके से प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, COOH, यहाँ पर भी मेरे पास COOH, हीट करना है, देन फर्दर अगेन आपको हीट करना है Δ1 और Δ2, आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इजी है बच्चों, एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों। सॉल्यूशन अब देखो, ये हो जाएगा अल्फा तो ये हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में बीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले ये वाला आपका COOH, ये वाला आपका रिमूव हो चुका है, ये वाला आपका रिमूव हो चुका है ना, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 गैस बाहर निकला। नेक्स्ट आपका Δ2 के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? केवल और केवल साइक्लोहेक्सिनोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? साइक्लोहेक्सिनोन, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ऐसा बोला गया है, ये आपका रिएक्शन है COOH के साथ, और इसकी रिएक्शन आपको CH2N2 के साथ कराना है। CH2N2 का मतलब डाई एजोमेथेन के साथ रिएक्शन बच्चों। ये मैंने अभी अभी बताया है, और आपको बोला था ईथर में भी इसको देख लेना बच्चों, एल्कोहल की रिएक्शन भी इसी के साथ हम करा सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH2-N(NN), और ये आपका प्लस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपके 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी, ये आपका 5 कार्बन की रिंग बन गई। अब ये H यहाँ ट्रांसफर करेगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से समझना, अब आपका यहाँ पर CO, ठीक है, इसने यहाँ पर किया तो O माइनस, और यहाँ पर CH3N+(NN). अभी आपका यहाँ अटैक करेगा तो ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका एस्टर कंपाउंड बन जाएगा। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों? आपका एस्टर कंपाउंड। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों अब हम ध्यान से। तो नेक्स्ट रिएक्शन में हमारा क्या होगा बच्चों? कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। आप लोग खुद से भी एक बार वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करते रहो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा और कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, आप लोग भी ट्राई करते रहो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है बच्चों? देखो ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चों, अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो ये तो आपको पढ़ा रखा है। ये कहाँ पढ़ा रखा है बच्चों आपको? ये मैंने बताया था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से किस तरीके से आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपेयर करोगे। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों ये PHCO O-। अब
अब वही रिएक्शन है आपकी, जितनी भी रिएक्शन है बच्चों वही रिपीट होगी, ठीक है। तो यहां पर आपका ये निकलेगा और यहां से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन। ये कल के पेपर में भी आया था, आप लोगों के मार्क्स काफी कम आए बच्चों, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, मार्क्स काफी कम आए थे, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, OC2H5, यहां पर CO OC2H5, इसका जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H2SO4, नाउ इसकी इसको मैंने अगर हीट कर दिया तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बता रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बता रखा था कि एसिड डेरिवेटिव को जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होता है। क्या ये आपका एस्टर है, ये आपका एस्टर है, ये आपका एसिड डेरिवेटिव है। अगर मैंने एसिड डेरिवेटिव को हाइड्रोलाइसिस कराया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर OH और यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, OH। नाउ इसको मैं जब हीट करूंगा तो ये हो गया यहां पर अल्फा, ये हो गया बीटा, यहां पर ये अल्फा ये बीटा, तो दोनों जगह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा और यहां पर इस तरीके से डाइकीटो कंपाउंड बना देगा। कौन सा कंपाउंड बना देगा बच्चों, डाइकीटो कंपाउंड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बनता था डाइकीटो कंपाउंड बच्चों आपका SeO2 से, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं क्वेश्चन लाता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन होते हैं इजी लेकिन आप लोग उसको सॉल्व करने में दिक्कत कर देते हो, टफ कर देते हो बच्चों। क्वेश्चन आपके काफी इजी होते हैं, पहले आप एक बार पढ़ना सीख लोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि इसके इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। अब इस क्वेश्चन में कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ईथर का हाइड्रोलाइसिस बता चुका हूँ बच्चों में, इसका भी, ये एस्टर का भी हाइड्रोलाइसिस बता चुका हूँ। ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और इसका भी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो ईथर के हाइड्रोलाइसिस में मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका SN2 मैकेनिज्म से चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा 2 डिग्री में SN1 से चलेगा, मैंने आपको ऐसा बताया था। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर आपका OH आएगा। बेटा आप ईथर का हाइड्रोलाइसिस एक बार ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर H+ अटैक करेगा, फिर ये आपका बाहर निकलेगा, यहां पर H+ अटैक करेगा। देखो कैसे करेगा वो मैं बता देता हूँ, यहां पर एक H+ अटैक करेगा और ये आपका SN2 के पाथ से चलने वाला बच्चों, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं आपको एस्टर का ही बता देता हूँ और इसका तो सीधी सिंपल है बच्चों, इसका तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये आप कर लोगे, ठीक है। H2O का अटैक करा के ये आप कर लोगे। नाउ अब ये यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा और वहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब वहां पर अगर आपका OH-, यहां पर अब आपका H2O का OH- अटैक करेगा, यहां पर भी H2O अटैक करेगा या OH- न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, OH OH, और एक कार्बन पे दो OH, आपका क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। तो जब ये आपका अनस्टेबल होगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों इस रिएक्शन को। जब ये आपका अनस्टेबल होगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन ग्रुप में और यहां पर COOH। नाउ अब अगर मैं इसको फर्दर हीट करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से समझते बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, RCH2COOH, इसकी रिएक्शन मुझे Br2H2O के साथ कराना है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसका मुझे OH- के साथ रिएक्शन कराना है, नाउ फर्दर OH- के साथ रिएक्शन कराना है H2O। यहां पर 2 मोल मुझे NH3 लेना है, यहां पर मैंने लिया NaCl लेना है और फर्दर इसका मुझे हाइड्रोलाइसिस कराना है। ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों,
सबसे पहले आपको पहचानना है कि रिएक्शन आपके पहले कौन सी है। अब अगर मैं बोलना चाहूं तो आपकी जो पहली रिएक्शन है वो आपकी कौन सी रिएक्शन है बच्चों? एच वी जेड रिएक्शन, हेलवोलाट जलेस्की रिएक्शन। अब यहां से समझेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होता था, अल्फा पोजीशन पे आपका हेलोजन ग्रुप आके जुड़ता था, तो यहां पर अल्फा पोजीशन पे आपका बी आर आके जुड़ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ओ एच माइनस के साथ जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो एक तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, एक एच टू ओ, नहीं तो एक यहां से बी आर निकलेगा और यहां से ये निकल जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, सी एच ओ एच सी डबल ओ एच। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ कराऊंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी रिएक्शन NH 2 मोल NH3 के साथ कराऊंगा तो एक मोल तो इसके साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा सी डबल ओ माइनस एन एच फोर प्लस, और यहां पर एक एन एच टू बना देगा। देन फर्दर अगर मैंने यहां पर हीटिंग कर दिया, देन फर्दर अगर मैंने इसका हीटिंग कर दिया तो यहां पर सी एच एन एच टू, यहां पर सी ओ एन एच टू बना देगा। ठीक है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सी एच बी आर सी डबल ओ एच, जब मैंने इसकी एन वो एन एस सी एन के साथ रिएक्शन कराया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहां पर क्या बन जाएगा, आर सी एच सी एन सी डबल ओ एच। नाउ फर्दर अगर मैं इसको इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद यहां पर लिख लो गर्म भी करना है, हीट भी करना है, हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो यहां पर आर सी एच सी डबल ओ एच सी डबल ओ एच। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो यहां पर अल्फा और बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, एक बार हीट करूंगा ओनली, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर सी एच सी डबल ओ एच। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आर सी एच टू सी डबल ओ एच बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आप लोग क्वेश्चनों से डर जाते हो तो इसलिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बच्चों। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, इसमें यहां पर एक और क्वेश्चन ध्यान से, एक आपको स्टेटमेंट लिखा रहता हूं बच्चों में, देखो 1,4 या आपका 1,5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड को हम हीट करेंगे तो यहां पर आपका H2O निकलेगा। बच्चों ध्यान से समझ लेना, देखो मैंने जैसे मैंने बात किया, ये एक दो तीन, ठीक है, ये मैंने बात किया इसका, अगर मैंने इसको मैंने हीट कर दिया, ध्यान से समझना, इसको मैंने अगर हीट कर दिया तो यहां पर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहां से H, यहां से OH, तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, ये आपका ध्यान से समझना, ये आपका बना लेगा यहां पर इस तरीके से एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या बोलेंगे, मैलिक एनहाइड्राइड। अब इस ये रिएक्शन आपका P2O5 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो उसके प्रेजेंस में होगा, जो भी आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो बच्चों उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो जाती है। एक और देख लेते बच्चों ऐसा ही रिएक्शन, ठीक है, ऐसा ही मैं एक और आप लोग डिस्कस करते हो, देखो एक दो तीन चार, अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी जब भी आपका अगर आपको P2O5 दे दे और हीट दे दे 1, 2, 3, 4, 5 तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और ये आपका एनहाइड्राइड कंपाउंड बना लेगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, एक दो बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नाउ बच्चों अब हम आगे की और क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, तो एक एक करके और क्वेश्चंस को देखते हैं। 9 क्वेश्चन तो हो गए थे, ठीक है, तो 10th क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखते बच्चों इस तरीके से हमारे पास कोई क्वेश्चन है, देखो बड़े प्यार से ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था इस बार भी, यहाँ पर सी डबल ओ एच है, यहाँ पर भी आपका सी डबल ओ एच है, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैंने इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ हीट करा दिया तो यहां से OH और यहां से H चला जाएगा और आपका क्या बना लेगा, 1, ये आपका 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स मेंबर का रिंग बनाएगा, सिक्स मेंबर का, सॉरी इसको यहां कर लो बच्चों, सिक्स मेंबर का रिंग बनाना काफी इजी रहता है, तो यहां से आपका OH चला जाएगा तो यहां पर आपका 1, 3 और 6 मेंबर का, ये आपका 5,
ये आपका 3 4, सॉरी ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 6 मेंबर का रिंग बनाएगा विद ऑक्सीजन एटम और यहां पर क्या बना लेगा एनहाइड्राइड। सिमिलर क्वेश्चन इसी पे बेसिस एग्जांपल है बच्चों। नाउ अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो सी एच टू सी डबल ओ ए सी डबल ओ माइनस के प्लस सी एच टू सी डबल ओ माइनस के प्लस। अब इसकी रिएक्शन मुझे कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है या फिर आपको हीट भी लिख के दे सकता है बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता था, यहाँ पर आपका क्या बनता था फ्री रेडिकल। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या बोलेंगे कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में जब आपका फ्री रेडिकल बनता था तो आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आपका कुछ ऐसा बनता था आपका सी एच टू डॉट सी एच टू डॉट। अब ये आपका आगे जाके क्या हो जाएगा बच्चों सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। और यहां पर मैंने सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस कर दिया, यहां पर भी मैंने सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस कर दिया। नाउ इसका कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने कराया हीट देके, तो अब आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ध्यान से बताओ, अब आपका इस तरीके से कंपाउंड बनेगा सी एच डॉट डबल बॉन्ड सी एच डॉट। नाउ इसका अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में एक और लेता हूं बच्चों, देखते यहां पर। अब देखो यहां पर मैंने सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस, यहां पर मैंने सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस, इसका मैंने कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो आपका क्या बनेगा, यहां पर भी आपका फ्री रेडिकल, यहां पर भी आपका फ्री रेडिकल, कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इसमें। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यहां पर अगर मैंने सी एच थ्री सी एच सी एच यहां पर सी एच सी डबल ओ माइनस के प्लस सी एच सी डबल ओ माइनस के प्लस और सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन मैंने कराई के आई कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस और हीट दिया। नाउ आगे मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई बच्चों, आगे मैंने इसकी रिएक्शन, देखो डबल बॉन्ड है। अब देखो डबल बॉन्ड में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। अब आपका डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में इसकी रिएक्शन मैंने ओजोनोलाइसिस करा दिया ZnH2O के साथ, ठीक है ZnH2O के साथ। तो यहाँ पर आपके दोनों मॉलिक्यूलर सेम रहेंगे, मतलब A1 और A2 दो कंपाउंड बनेगा तो दोनों आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक के साथ आपको किसकी रिएक्शन करानी है CH3MgBr की, और एक के साथ आपको HCN की रिएक्शन करानी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको हाइड्रोलाइसिस भी कराना है, ठीक है, उसके बाद आपको इसको हाइड्रोलाइसिस कराना है, देन आफ्टर इसकी रिएक्शन आपको NaOD और CaO के भी साथ कराना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हीट भी लिख लो बच्चों, देखो सबसे पहले कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, इसका सॉल्यूशन समझते बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऐसा करना ही चाहिए हमेशा हमको, ठीक है। ये आपका इस तरीके से CH3 बन गया। नाउ जब मैंने इसका ओजोनोलाइसिस कराया है ZnH2O के प्रेजेंस में, तो आपका यहां से टूटेगा, ये आपका इस तरीके से क्या बन जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड OH। नाउ अब हम इस अब मैंने इसकी रिएक्शन CH3MgBr के साथ कराया एक का, और दूसरे का मैंने HCN के साथ कराया, तो HCN के साथ कराने पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर साइनोहाइड्रिन, ठीक है, यहां पर साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, और इसके साथ कराने पर बच्चों आपका CH3OHCH3 ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर हाइड्रोलाइसिस भी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये बन जाएगा। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपका क्या बन जाएगा CH3COHCOOH। नाउ जब मैंने इसकी रिएक्शन NaOD और CaO के प्रेजेंस में कराया तो ये यहाँ चला जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, यहाँ पर आपका सोडा लाइम है, सोडा लाइम के प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और जैसे ही आपका यहाँ पर
कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को डिटेल करना है। काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को यहाँ पर डील करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं एक और, इसके अलावा आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन एक और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर काफी इजी क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया यहाँ पर, CH3C(CO)-K+CH3, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिया CH2, यहाँ पर CO(-K+, ठीक है, ये मैंने लिया, इसका मैंने कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया हीट देके। नाउ जो आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बना उस पर मैंने OH- के साथ रिएक्शन कराया हीट देके, ठीक है, यहाँ पर मैंने हीट दिया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर, देखो इसके प्रेजेंस में यहाँ पर फ्री रेडिकल, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर फ्री रेडिकल, सबसे पहले आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3C(CH2) और यहाँ पर CH3। नाउ फर्दर अगर मैंने इसका, सॉरी इसका मुझे ओजोनोलाइसिस कराना है बच्चों, ओजोनोलाइसिस ZnH2O के प्रेजेंस में, नाउ फर्दर इसका रिएक्शन OH- के साथ मुझे हीट कराना है, ये क्वेश्चन है। अब अगर मैंने इसका ओजोनोलाइसिस करा दिया ZnH2O के प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ जो टूटेगा ये एक मोल आपका ये बनेगा, ठीक है बच्चों, और दूसरा मोल आपका क्या बनेगा, कीटोन कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, OH- आपको पता होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बच्चों, यहां से ये बाहर निकलेगा, अब यहाँ पर इनोलेटाइन बनेगा, इनोलेटाइन इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, तो जहां पर अटैक करा है उसको मैं ऐसे बना लेता हूं, और यहाँ पर CH2CO CH3। नाउ अब क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ आपका क्या आएगा, H+ आएगा, तो यहाँ पर HCOH CH2CO CH3। नाउ फर्दर अगर मैंने इसको हीट किया तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH2CH CO CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, नाउ इसी में हम एक और इंक्रीज कर सकते थे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन, अगर मैंने इसकी रिएक्शन, अब मैंने CuCl CH3 MgBr के साथ करा दिया, CuCl2 CH3 MgBr के साथ करा दिया, और इसकी रिएक्शन मैंने CH3 MgBr के साथ करा दिया हाइड्रोलाइसिस, ये मैंने एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया, देखो अब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, यहाँ से जो प्रोडक्ट मैंने मिला बच्चों वो क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड वाला है। अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड वाला कंपाउंड है, देख लेते हैं, इस कंपाउंड को लिख देता हूँ बच्चों मैं यहाँ पर, यहाँ से आपको कौन सा कंपाउंड मिला, CH2CHCOCH3, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिला। अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड का अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलके MgBrCl बना लेंगे, और साथ में यहाँ पर R2Cu हो जाएगा, R2Cu इज अ सोर्स ऑफ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, और मैंने आपको बताया था सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पर R2Cu से जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आपको यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो CH2 यहाँ पर R आ जाएगा, और यहाँ पर R, यहाँ R की जगह CH3 लिख लेना, CH3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वो है CH3 होल टू आइस, ठीक है, CH3 लिख लेना सीधा, वो RCU लिख लेना बच्चों, ठीक है, गिलमान में होता है R2CULI, ठीक है, वो गिलमान का है, ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर माइनस, अब ये आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका इस तरफ अटैक करेगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपका O-CU आ जाएगा। नाउ अब आपका क्या होगा, देन फर्दर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो
तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी ओ, यहाँ पर आपका ओ एच आ जाएगा। अब ये आपका कौन सा फ्रेगमेंट बन गया बच्चों, इनोल फ्रेगमेंट। अब ये आपका इनोल फ्रेगमेंट बन गया, तो ये आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, तो यहाँ पर सीधा क्या बन जाएगा सी थ्री एच सेवन सी ओ सी एच थ्री। देखो क्यों, क्योंकि ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेशन में कहाँ अटैक करता है बच्चों, ये भी मैंने बता रखा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड होगा तो ये आपका सोर्स ऑफ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होगा, तो सी एच थ्री एम जी बी आर आपका कहाँ अटैक करेगा बच्चों, सीधा कार्बोनिल बॉन्ड पे, मैंने बताया था ओलिफिनिक बॉन्ड पे अटैक और इस पर अटैक। थोड़ा सा उसको ध्यान दो बच्चों, उस टाइप का क्वेश्चन कल नहीं आया था, आई होप कि आगे आएगा बच्चों, इसलिए इसका तो थोड़ा सा ध्यान दो। देन फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच सी एच थ्री, ये आपका कंपाउंड आपका यहाँ पर एक और सी एच थ्री होगा सी एच थ्री, ये आपका यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर तो कीटोन था तो कीटोन ही बना, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, थोड़ा सा प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाते हैं बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो। ये काफी हद तक अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने सारे कंसेप्ट को उठा के लिया, एक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से उठाया, एक हाइड्रोकार्बन से भी लिया है, मैंने एल्डिहाइड कीटोन का भी कंसेप्ट लिया है, दो तीन चैप्टर को मिक्स करके कंसेप्ट लिया है। अब हम जब भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अब हम चैप्टर को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा ये ओलिफिनिक बॉन्ड वाला और कार्बोनिल बॉन्ड वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके अक्सर आते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। सो थैंक यू सो मच।